किस तरह तो उपराला किया गया है? मैं पूजा लूथरा सचदेवा MC और डिस्ट्रिक्ट सैकटरी। अज असी रेते वाली पहनी आए हाँ, तो सानू असी जो पिछले दिन ऑल इंडिया रोड़ा खतरी पंजाबी कम्यूनिटी वालों राशन की तो हरे पट्ठे सेवा की सी, तो सानू टाणी सद्धा सिंह के कुछ परसन वालों यह भी कंप्लेट आई सी कि सानू पिंड तक साडा चारा नहीं पहुँचता। तो संदीप वालों सानू कॉल आती है 95 6133 8000 नंबर पर, तो असी उन्होंने यही प्रोमिस किया कि तुहाडे टाणी ते वी असी हर हालत में हरा चारा जरूर लैके आवांगे, क्योंकि इस टाइम हड़ा का जिहड़ा कह रहे हो पंजाब दे नाल नाल साडे फाजिलका दे वी कुछ पिंडां दे विच होया है, जिंदे करके लोगों का जिहड़ा नुकसान भी होया है, फसलां काफ़ी डुब चुकिया ने, तो स्पैशली जिहड़ा पशुआं का चारा है वह उन्हां तक नहीं पहुँच पाता। तो लोगों की यही डिमांड थी कि सानू पशुआं का चारा प्रोवाइड करवाया जाए ताकि साडे पशु जिहड़े ने वह भुखे ना मरन। तो अज साडे नाल सुनील सचदेवा जी साढ़े डिस्ट्रिक्ट प्रेजीडेंट आम आदमी पार्टी के, वो सा इतने मौजूद ने, नाल ही ललिता मैम ने, संदीप जी ने, विक्की ने, प्रियंका सचदेवा ने, रिंकू कंबोज ने, अज पूरी समुची टीम असी इतने आए हाँ, तो सुनील सचदेवा जी के सहयोग नाल उन्होंने रहनुमाई दे विच ते नाल ही पिंड तरांग है बलुआने हल्के का, उतों के जिहड़े परसन ने उन्होंने वालों अज हरे चारे की सेवा की गई है। तो सब तो पहले तो मैं उन्होंने धन्यवाद भी करती हाँ कि उन्होंने ये सेवा निभाई है। बाकी मैं यही कहांगी कि बहुत संस्थावां ने जो अज हड़ पीड़ित लोगों के नाल खड़िया हुई ने, तो साढ़े वाले छोटा जो उपराला है जो असं इतने आए हाँ, दुख जोड़ा है वो असी यह है कि इन्हों का नुकसान तो असं नहीं कटा सकते, लेकिन जोड़ा दुख है वह इन्हों वंडाण वास्ते नाल जरूर खड़े हाँ, मोढ़े न मोढ़ा मिला के खड़े हाँ, और पूरी कोशिश है कि जिस जगह पर जरूरत है और सानू जिस परसन पर्टिकुलर परसन वालों कॉल आती है असी उस परसन के नाल राबता कायम करके ही उस जगह पर ही जी ट्राली या हरा चारा जो भी राह समगरी होंगी है उत्थे पहुँचाने की पूरी कोशिश होंगी है। हुण अज टाणी सिद्धा सिंह तो फोन आया, लेकिन मैं लगता नाल दे दो तीन जी जगह ने उत्थे भी जोड़ा हरे चारे की सेवा की गई है, तो जोड़ा संदीप हमारे वालों जी बहुत वधिया तरीके निभाई गई है। मैडम तुसी किन्नी लोड़ इतों के लोगों को इस चीज़ की? देखो आस पास अगर तुम नज़र मारोगे तो जी फसलों ने तकरीबन डुब चुकिया ने, तो जोड़ा हरे चारे की लोगों के न कोल पशु भी ने, और जो लोगों को यह कहा जाता कि राहत कैंपा दे पहुँच करो तो कहते हैं कि असी मैम अपने पशुओं छड़ के अपने घर छड़ के नहीं जा सकते, तो इस टाइम यही है कि उन्होंने घर घर जाके जी उन्होंने जगह पर जाके जी राहत समगरी पहुँचाने की बहुत जरूरत है। और जो चीज़ महसूस की गई वो ये है कि इस टाइम लोगों को जी पिंडा हरे चारे की बहुत जरूरत है, क्योंकि उन्होंने पशु ने जोड़े उन्होंने घर के ही बने हुए हैं। तो मैडम तुम प्रशासन भी कोई गुहार लाई है इन्होंने वास्ते? बिल्कुल, जिमें जिमें पता चलता है अगर सू लोग कहें सू बेड़िया की जरूरत है, कोई जिमें पिछले असं पिंड गए सिलेंडर की डिमांड भी की गई सी, लकड़ी भी गिली हो गई उनके करके भी, तो होर भी बेड़िया वास्ते भी किया गया लोगों वालों, तरपैलों वास्ते किया गया, तो नाल जे DC मैम नाल परसन का नंबर सेंड करके पिंड नाम सेंड करके तो जो उन्होंने रिक्वायरमेंट होंगी है उन मैम भेजता जाता है। और मैडम मैम का भी थैंक्स करती हाँ कि वो नाल उसी का जवाब भी देंगे ने, तो और नाल परसन तक जी समगरी पहुँचाने की कोशिश भी पूरी करते हैं। जी मस्ती किस तरह का उपराला किया गया है? देखो जी इस इलाके बहुत ज़्यादा पानी आया, अज असी रेते वाली पैनी आए हैं, तो आसे पास जरा देख लो उ कि सब पास पानी पानी है, तो पशुओं लिए जरा चारा बिल्कुल नहीं है, तो अबोर तो जरा तरांग वाले पिंड तो यह जी सेवा आई है, तो असं उन्होंने नाल सहयोग करने लिए इतने आए हैं, मेरे नाल पूजा मैडम ने, तो ये पहले भी जरा बहुत बारी जरा इतने नाल पट्टे दिन ट्रालियां लैके आए हैं, तो जिते जिते जरूरत पता लगती है उत्थे उत्थे जो सेवा निभा रहे हैं, तो मैं बहुत बड़ी खुशी है कि जरा बहुत वधिया काम कर रहे हैं। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਟਾਣੀ ਸੱਦਾ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਨਾਮ ਜਦੋਂ? ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰਸੋਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਡਮ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਰਾ ਹਰਾ ਦੇ 1000 ਅਨਾਜ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਡਮ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 95 6133 8000 ਮੈਡਮ ਪੂਜਾ ਲੁਥਰਾ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਆਏ ਸੀ ਟਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵੰਡ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸੁਣਾਇਆ, ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦੁੱਧੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਥੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਟਾਣੀ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤੇ, ਮੈਡਮ ਜੀ ਆਪ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਪੱਠੇ ਵੰਡਿਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਪੱਠੇ ਲਏ ਅਤੇ ਚਲੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ।